नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। प्रस्तुत है पूर्वी दिल्ली लोकसभा के पूर्व सांसद लाल बिहारी तिवारी जी से बातचीत के मुख्य अंश। पूरे देश में कोरोना वायरस की महामारी है, क्या कहेंगे आप? ऐसा पूरे देश में क्या, पूरी दुनिया में महामारी है और भारत में भी है, लेकिन भारत में और देशों की तुलना में कंट्रोल में है। फिर भी इसका मुकाबला तो हम लोग मिलकर कर ही रहे। इसे कोरोना वायरस को चलते लॉकडाउन कर दिया गया है, गरीब मजदूर परेशान है, क्या कहेंगे इस विषय में? अब दोनों समस्याएं हैं। लॉकडाउन करने से लोगों की जान बचाने के लिए किया जा रहा है और लॉकडाउन के कारण आपने देखा दुनिया के अन्य देशों में जिस तरीके से संख्या बढ़ी है और भारत में तो कंट्रोल में है अभी। फिर बात, हालांकि यहाँ भी संख्या बढ़ रही है पर उम्मीद की जाती है कि और देशों की तुलना में यहाँ स्थिति कंट्रोल में है और लॉकडाउन अब मुझे लगता है कि भविष्य में खुलने की संभावना है। दुकानें बाजार सब खुल रहे क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है और पूरब और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश अनेक राज्यों से जो लोग मजदूर यहाँ अपने गाँव को जा रहे हैं और इसीलिए वो थोड़ा भयभीत है कि कोरोना फैल रहा है और गाँव में बच जाएंगे, लेकिन लगता ही है कि वहां भी रोजगार की समस्या तो रहेगी और देश और दिल्ली के अंदर में जब तक मजदूर नहीं रहेंगे रोजगार कैसे चल सकता है। और मुझे लगता है कि 17 के बाद शायद ये जो रेड जोन है उनको छोड़कर, सील जोन छोड़कर, बाकियों में तो नॉर्मल पोजीशन आ जाएगी। सर, लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोगों को सतर्कता तो बरतनी पड़ेगी, तो उसके लिए क्या आप सलाह देना चाहेंगे? देखिए, अब तो जैसे सरकार और जो जानकार लोग हैं, वैज्ञानिक भी ये कह रहे हैं कि आप तो कोरोना के अंदर ही जीना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और जो उन्होंने नियम बनाए उनका पालन करना अवश्य है और इसका पालन करते हुए हमको आगे बढ़ना होगा। केजरीवाल सरकार कह रही है कोई सोएगा नहीं भूखा, लेकिन गरीब लोगों को राशन मिल नहीं रहा है। अब ऐसा है कि जो टीवी और मीडिया में आता है उसमें तो ये बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्कूलों से खाने का सामान दिया जा रहा है और राशन डबल दिया जा रहा है, 5 किलो की 10 जगह। इक्का दुक्का कोई अगर शिकायत ऐसी है तो वो सरकार पर पहुंचाएंगे। मुझे लगता है इसका समाधान करना चाहिए, इस समय राजनीति करने का कोई समय नहीं है। सभी दलों को, हम सबको मिलजुल कर समस्या का समाधान करने की जरूरत है। आप उत्तर प्रदेश बिहार महासंघ के आप संरक्षक भी हैं और उत्तर प्रदेश बिहार के लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं, क्या कहेंगे इस विषय में? मैं कहता हूँ कि ये भयंकर बीमारी है। कुछ लोग तो घबराहट के अंदर ये जा रहे हैं कि यहाँ तो एक दूसरे से तर्क करने से बीमारी का डर है। गांव में, देहात में, खुले में रहेंगे और नमक रोटी खाएंगे, कम से कम अपने गांव, अपने माँ बाप के साथ तो चले जाएंगे। यदि अभी तक आपने नमस्ते भारत चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।